अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद के गोश्त की मटन करी बनाइएगा इस तरह के से, मटन आलू करी और साथ में इसे गर्मा गर्म राइस के साथ आप सर्व कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी सा ये कॉम्बिनेशन है, मटन आलू करी और साथ में इस तरह से बघारा राइस का। तो हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही डिलीशियस सी मटन करी, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1.25 किलो मटन यानी 750 ग्राम। उसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे पहले मैं मैरिनेट करने वाली हूँ, तो इसमें साथ ही साथ मैंने डाल दी है 7 हरी मिर्च और ये मसाले, तो जिसमें 1/2 चम्मच मैंने भरकर ले लिया है 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1.5 टेबल स्पून ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। तो ये सारे मसाले हम मटन में डाल देते हैं। उसके साथ साथ नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार, तो नमक भी मैंने डाल दिया है। अब ये सारे मसाले को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए मसालों को बहुत बढ़िया से मिला देते हैं हम यहाँ पर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट हमारी मटन करी में आएगा जब हम इस तरह से इसे मिला देंगे सारे मसालों के साथ और फिर हम इसे पकाएंगे। तो चलिए अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाले जो हमने डाले हैं, हरी मिर्च डाली है, उसे हम मटन में मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारे मसाले अब मिक्स हो चुके हैं, इसे हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए इस तरीके से मैरिनेट होने के लिए। तो यहाँ पर मैं इससे पहले डाल दूँगी इसमें ढेर सारा हरा धनिया कटा हुआ, जिससे इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो चलिए हरा धनिया भी हम डालकर इसे मिला देते हैं। तो ये हरा धनिया डालकर भी मैंने मिक्स कर लिया है और मैं इसे रख देने वाली हूँ अभी 20 से 25 मिनट के लिए। तो इसे हम रख देते हैं साइड में, उसके बाद हम पैन गरम करने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम पैन में डाल देते हैं 3 टेबलस्पून तेल। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे साबुत गर्म मसाले, जिसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची, स्टार फूल, लौंग और काली मिर्च मैंने डाल दी है और 1/2 चम्मच जीरा भी डाल दिया है। तेल में हम इसका फ्लेवर रिलीज़ कर लेंगे, तो इस तरह से हमें थोड़ा सा मिक्स कर देना है ताकि तेल में अच्छा सा फ्लेवर रिलीज़ हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई। तो ये मैंने प्याज इसमें डाल दी है। अब प्याज को हम यहाँ पर अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि प्याज के ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो चलिए हाई फ्लेम पर हम प्याज को भून लेते हैं गोल्डन कलर आने तक। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा इस पर प्याज के ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मैरिनेटेड मटन। तो ये देखिए जब तक हमारी प्याज भुनेगी ना, तो उससे और भी हमारा मटन मैरिनेट हो जाएगा। तो ये देखिए सारा मैरिनेटेड मटन हमें इसमें डाल देना है और ये मटन हमने इसमें डाल दिया है सारा, मसाला भी हम इसका सारा निकाल लेते हैं और अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए प्याज के साथ भून लेते हैं। तो चलिए मसाले को हम मटन के साथ पूरा प्याज के साथ हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है हाई फ्लेम पर ही। ये देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो रहा है और हम भूनेंगे इसे तेल रिलीज़ होने तक। जैसे आप देख सकते हैं इसमें से हल्का हल्का तेल रिलीज़ होने लग गया है। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं कटे हुए और टमाटर डालने के बाद हम इसे मिला के फिर से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो चलिए टमाटर के साथ भी 2 मिनट के लिए मटन को बहुत अच्छे से भून लेते हैं और ये 2 मिनट तक मैंने फिर से भून लिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि मटन हमारा अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए तभी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 ग्लास पानी ताकि हमारा मटन भी अच्छे से गल जाए। मिक्स करेंगे, ये हमने मिक्स कर दिया है और अब हम इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे लगभग 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि मटन अच्छे से गल जाए। और ये हो चुके हैं, ये देखिए 35 मिनट पकते हुए, जैसे आप देख सकते हैं तेल भी ऊपर आ चुका है, पूरा पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। बीच बीच में आप चेक ज़रूर कीजिएगा कि नीचे लग तो नहीं रहा। तो अब हमें इसे थोड़ा सा और 2 से 3 मिनट के लिए भुनना है। ये देखिए कितने अच्छे से ये मसाला हमारा भुन रहा है। तो जब ये मसाला भुनते रहेगा उसमें हम आलू भी डाल देंगे ताकि वो भी अच्छे से भुन जाए मसालों के साथ। तो यहाँ पर तेल रिलीज़ होने लग गया है, उसके साथ साथ हम यहाँ पर आलू को भी भून लेते हैं। तो 2 मिनट के लिए हमने यहाँ पर आलू को भी साथ ही साथ भून लेना है। ये देखिए बहुत अच्छे से इस तरह से तेल रिलीज़ होना चाहिए तभी ऐसा मसाला बनकर तैयार होगा। और जो प्याज है ना, वो पूरी तरीके से एकदम ग्रेवी जैसी हो जाएगी, पूरी हमें मैश कर देना है इस तरह से। देखिए जब भूनेंगे ना तभी वो मैश होगी। ये देखिए अब ये बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला भुन चुका है, पूरी तरीके से मसाला भुन गया है, तेल अच्छे से रिलीज़ हो गया है, आलू के साथ साथ हमने भून लिया है। तो अब हम इसे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से यहाँ पर पानी डालेंगे। तो चलिए 1 ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब हम इसे मिला देंगे, क्योंकि आलू भी अभी गलने बाकी है और मुझे ग्रेवी जो है वो ज़्यादा एकदम पतली नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। तो बस हमें इसमें डाल देना है
ग्लास पानी और अब इसे पकने देना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए रख देंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि आलू भी बहुत अच्छे से गल जाए। और ये 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए इसमें डाल देते हैं थोड़ा हरा धनिया कटा हुआ। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ये हमारी मटन करी बनकर तैयार है। ये देखिए इतना ज़्यादा एकदम पतली ग्रेवी है और खाने में बहुत ही टेस्टी सी ये मटन करी। तो आप भी बकरा इश्क के गोश्त की मटन करी आलू के साथ बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाइएगा, और साथ में आप इसे ज़ीरा राइस के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। रेसिपी कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। ये तो मैंने सर्व कर लिया गर्मा गर्म, थोड़ा सा गार्निश कर लिया हरे धनिए के साथ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।